तो हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज एपिसोड। और आज हम हैं फ्लोरोमा टाउन में, एंड आई थिंक आज का हमारा एजेंडा होगा इस जगह पे जाना टीम गैलेक्टिक को हटा के। एंड यार, बस आई थिंक आज टीम गैलेक्टिक को हराते हैं एंड उसके बाद इटर्ना सिटी के लिए इटर्नल फॉरेस्ट चलते हैं। एंड पर उससे पहले देख लेते हैं इस टाउन में क्या क्या है। आई वॉन्टेड टू गेट सम फ्लावर्स फ्रॉम द फ्लोरोमा मेडो, बट सम टीम गैलेक्टिक गाइज इन स्नेजी आउटफिट्स केम अलॉन्ग। ओके, दोज गैलेक्टिक गाइज वेंट टू द मेडो पास दीज फ्लावर्स हेयर। तो यार बेसिकली यही है आज के एजेंडे में। सबसे पहले टीम गैलेक्टिक को हटाने यहाँ से, एंड फिर इटर्ना फॉरेस्ट के लिए निकलना हमें। दो लेजेंडरी पोकेमॉन्स मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो मेरे लेट्स गो पिकाचू की सेफ फाइल है वो इस स्विच पे नहीं है, एंड वो ट्रांसफर भी नहीं हो सकती है, एंड मैं वो गेम सेल आउट कर चुका हूँ अनफॉर्चुनेटली। तो वो मुझे लेजेंडरी पोकेमॉन्स नहीं मिलेंगे, बट कोई बात नहीं, हम नॉर्मल पोकेमॉन से ही काम चला लेंगे। तो यहाँ जाके देखते, काफ़ी अच्छी वाइब्रेंट सी बनाई यार इन्होंने। ट्रेनर प्लीज वेट, प्लीज वाटर बेरी यूजिंग दिस स्प्रे डक वाटरिंग कैन। ओके, तो अब एक स्प्रे डक भी आ गया, हम बेरीज को वाटर कर सकते हैं, हम इकोसिस्टम को जिंदा रखेंगे बिल्कुल। अ सिंगल बेरी विल ग्रो इन टू अ प्लांट दैट मेक्स सेवरल बेरीज, बाय प्लांटिंग वन देर विल बी मोर एंड मोर बेरीज इन द वर्ल्ड। आई होप यू विल हेल्प अस स्प्रेड मोर बेरीज एवरीवेयर। यू ऑब्टेन पीचा बेरी, याद नहीं मुझे से क्या होता है, आई थिंक 20 HP हील होती थी इससे। ओके, अब इससे भी बात करते हैं। हेलो, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज बेरीज फॉर सम स्टिकर्स? ओके, एक बार चलो देख लेते हैं एटलीस्ट की कितनी बेरीज से कितने स्टिकर्स मिलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी स्टिकर, ओके, 3 बेरीज के लिए मिलता है, चेरी बेरीज के लिए। पर ये अच्छा है यार, फाइनली बेरीज। मुझे ना सिर्फ एक पर्टिकुलर बेरी बहुत पसंद थी जिससे हमारी PP रिस्टोर होती थी। PP जिनको नहीं पता है, PP होता है आपके मूव्स का जो काउंट होता है, वो बढ़ता था, मतलब रिस्टोर हो सकता था। एंड एलीट 4 से जब आप लड़ते हो तो बीच में पोकेमॉन तो हील कर नहीं सकते हो। तो बस यार, फिर उसके बाद वो बेरीज मुझे काफ़ी पसंद थी। आंट वी टीम गैलेक्टिक एंड वी आर असाइंड हियर, स्टैंडिंग अराउंड अमंग फ्लावर्स, दिस डजंट सीम एट ऑल कूल। हे नाउ, डोंट कंप्लेन, दिस इज अ प्रीटी डिसेंट असाइनमेंट, बट बग एंड ग्रास टाइप पोकेमॉन सो क्रीप मी आउट, आई डोंट लाइक बींग हियर ईदर। ओके, तो हम यहाँ से तो आई डोंट थिंक सो जा सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कोई ना कोई और रास्ता होता ही हमेशा। तो ये एक रास्ता है, यहाँ से हम निकलते हैं। हेल्प हेल्प ट्रेनर, प्लीज कैन यू गेट माय पापा फॉर मी, ही वर्क्स एट दी वैली विंड वर्क्स, बट द पीपल ड्रेस लाइक स्पेस एलियंस आर मीन एंड वोंट लेट मी इन। चलो यार, इस लड़की के डैडी इश्यूज भी सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ से आगे जाना है यार, यहाँ से आगे जाना है। एक बार इन दोनों अंग्रेजों से भी बात कर लेते हैं। वी टीम गैलेक्टिक आर कंडक्टिंग रिसर्च इन इटर्ना फॉरेस्ट, दिस इज एज फार एज यू विल गो, आर रिसर्च इन्वॉल्व्स कैचिंग पोकेमॉन इन द फ्लारी मेडोज ऑफ फ्लोरोमा टाउन, वी आर ऑल्सो यूजिंग द एनर्जी ऑफ वैली विंड वर्क्स फॉर समथिंग, बट दैट इज ऑफ नो कंसर्न टू यू। तो अबे तो इतना भी क्यों शेयर किया तूने, मतलब चलो यहाँ से तो नहीं जा सकते, तो मतलब यहीं से निकलना है हमें। एंड यहाँ पे पहले तो उठा लेते हैं हिडन आइटम पोशन, वेरी नाइस। ओके, अब ये बंदा क्या है, डोंट यू डेयर गो इनटू वैली विंडोक्स, आई गॉट ऑर्डर्स टू कीप एवरीवन आउट इफ दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ टीम गैलेक्टिक, यू आर गिविंग मी अ लुक दैट मेक्स मी थिंक यू गोना ट्राई टू गेट इन। ओके देन, यू विल हैव टू बैटल मी फॉर इट, नॉट एन इशू ब्रो, नॉट एन इशू। देखते हैं यार, इसके पास एक ही पोकेमॉन है यार, इसके पास कौन सा ज़ूबैट होगा, नहीं ग्लैमियो, ग्लैमियाउ, ग्लैमियाउ। ओके, हमारे पास है अपना केजी, तो केजी यार मेटल क्लॉ ट्राई करते हैं। वैसे आई थिंक ये नॉर्मल टाइप है, तो फाइटिंग टाइप इसके अगेंस्ट काफ़ी सही रहता। या लाइक आई एम रियली सपोज टू विन विद अ पोकेमॉन लाइक दिस, द 704 फॉर विनिंग, नॉट बैड, धीरे धीरे बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है। Isn't that just great, getting owned by some kid? But you can't do a thing if I lock myself in with my works key. That's right, the other work key is not here. My cohorts in the flower patch have the only other one. Haha, in that sense, I'm no longer the loser. Okay, iski definition of loser kafi alag hai humse. But chalo, to isne hame hint de diya tha guys ki hame jana hai wapis is wale forest mein, is wale forest. I think yahan jana hai hame pehle. तो पहले यहाँ चलते हैं और इनकी, देखा यहाँ से हट गए हैं वो, गुड गुड हिंट, स्मार्ट हो गए हम। तो यहाँ ये खड़े हैं, क्या बातें कर रहे हैं, इनफ आर्ग्यूइंग, हैंड ओवर दैट स्वीट हनी,
टूवर्स भी से क्या गुंडा बनेगा रे तू, हनी के पीछे मतलब खरीद ले उससे यार, काहे का गुंडा बनेगा रे तू। हद यार, बाबूराव गणपतराव आपटे को तो कितने डिसअपॉइंटेड होते तुम लोगों में भी। तो अब हमने दूसरे वाले ग्रांट को भी हरा दिया है, अब देखते हैं क्या होगा। ओके, ओ व्हाट्स दिस थिंग, दिस सीम टू हैव फॉरगॉटन इट, इट्स अ वर्क्स की, इट मस्ट बी फॉर दी वैल्यूबेंट वर्क्स, इट्स ऑफ नो यूज टू मी, यू मे एज वेल हैव इट। ओके मेक सेंस, एक्चुअली डजेंट मेक सेंस कंसिडरिंग कि हम यहाँ से इस चाबी को लेके चले जाएंगे और ये बंदा यहीं का रहने वाला है और इसके ही एरिया में एक विंड, जो भी वैली विंड वर्क्स है, तो टेक्निकली इसके काम की चीज़ हुई हो, बट चलो। दोज गोन्स वर ट्राइंग टू रॉब मी ऑफ माई स्वीट स्वीट हनी, अ वेरी वियर्ड थिंग टू से, दे श्योर वर वियर्ड दो, यू सॉ हाउ दे वर ड्रेस्ड। भाई वैसे आप भी मतलब कुछ नॉर्मली ड्रेस्ड हो नहीं, मतलब अंकल। ओके सो ही गेव अस अ जार ऑफ हनी, अंकल गेव अस अ जार ऑफ हनी, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ एक बार डिस्कवर करते हैं आगे कुछ है कि नहीं है और फिर निकलते हैं हम यहाँ से भी। देर इज अ स्वीट सेंस सेंट इन द एयर, स्लैदर द बार्क विद हनी। गेस टीम गैलेक्टिक को हराने के बाद यार यहाँ आके वापस देखते हैं क्या आपका कुछ हुआ हुआ हो। आई थिंक ये शेक वेक कुछ करती है जब इसके आसपास कोई पोकेमोन होता है। तो यार अब निकलते हैं और वापस चलते हैं वैली विंडवर्क्स इस लड़की के डैडी शो सॉल्व करने के लिए। एंड आई थिंक अब हमारे पास चाबी भी है तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अंदर घुसने में। इट्स लॉक फ्रॉम इनसाइड, वुड यू लाइक टू यूज द वर्क्स की? यस। कचंक, द डोर टू द वैली विंडवर्क्स ओपन्ड। ओके ओके, व्हाट, नो वे, यू हैव द की, लॉकिंग द डोर वाज मीनिंगलेस, आई एम द लूजर इन दिस आफ्टर ऑल, दिस इज नो टाइम फॉर सेल्फ पिटी, आई हैव गॉट टू अलर्ट द कमांडर। करो यार करो, कमांडर भी वही खड़ी है, मतलब क्या यार तुम। आई एंट फूलिंग अराउंड किड, दिस इज हाउ अ प्रोफेशनल डज इट। ठीक है तो इसको भी हरा दिया, अभी बचा है ये, माय पोकेमॉन कांट बैटल एनी मोर। ओके दे गोना टेक अवे माय पोकेमॉन फॉर मेसिंग दिस वन अप, जस्ट वेट, आवर कमांडर विल स्मोश यू। ओके तो ये रही जो हमारी नेक्स्ट टारगेट है। ओ भाई क्या बनाई, क्या बच्चे से लग रही है यार, डरावनी तो बिल्कुल नहीं लग रही। आई एम वन ऑफ टीम गैलेक्टिक्स थ्री कमांडर्स, वी बीन ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। ओके एलॉन मस्क से इंस्पायर्ड है यार ये लोग, बट पीपल हैव शोन लिटिल अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट वी डू, आई डोंट थिंक इवन यू अंडरस्टैंड व्हाट यू डू, सो लेट्स हैव अ बैटल टू डिसाइड व्हाट वी शुड डू नेक्स्ट। ओके इफ आई विन यू लीव, इफ यू विन वी टीम गैलेक्टिक विल लीव, गुड डील, फेयर डील, अ वेरी फेयर कमांडर है मस्क से। एंड ये है कमांडर मस्क। ओ भाई पीछे एक्चुअल प्लैनेट्स हैं यार ये, मतलब नॉर्मल रिफ्लेक्शंस भी है प्लैनेट्स की, लीव एवरीथिंग, मतलब जो नॉर्मल टीम गैलेक्टिक के साथ जब हम लड़ते हैं तो ये नहीं दिखता, ये प्लैनेट्स ही दिखते हैं पीछे, आप नोटिस करना चाहे पीछे जाके। सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट नाइस यार कि मतलब इन्होंने आई थिंक, और मे बी आई थिंक इट्स पॉसिबल कि क्या हर टीम हर लीडर के लिए चेंज किया होगा क्या, या सेम ही रखेंगे? अगर हर लीडर के लिए अपना एक बैटल सीन है दैट विल बी लाइक अमेजिंग यार। चलो कहीं तो इन्होंने एफर्ट डाला है यार, ऐसी बात नहीं है, दे हैव पुट इन समवेयर द एफर्ट एंड द मनी, दिस कांट बी आई लॉस्ट यू अनोइंग ब्रैट। 1500 भाई, गुड अमाउंट फॉर विनिंग, गुड अमाउंट फॉर विनिंग, एक्चुअली अब काफ़ी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं हम ढंग से पोके सेंटर में, पोके मार्ट में, सॉरी। I guess it's time to say goodbye and leave for the time being. Chalo, I think ye us ladki ka daddy hai. Team Galactic, they were saying they had to gather Pokemon and energy no matter what. It was creating a new universe or so they claimed. Nothing they said made any sort of sense to me. Anyway, I can't tell you how grateful I am to you for saving me. I can finally see my little daughter again. Little daughter with papa. Yuck, Papa, you stinky. Go shower now, stinky. Oh, sorry. Haha, they had me working non-stop. Thank you, trainer. You made those bad people go away. I think the balloon Pokemon will come visiting again. Achha, oh, balloon. Main naam bhool gaya hai uska. But I understood, oh, purple sa hota hai. तो गाइज हमने कर लिए अपने पोकेमॉन हील एंड सू, पोकेमॉन पोकेमार्ट से जाके पोशन वगैरह भी स्टॉक अप कर लिए हैं, तो अब निकलते हैं इटर्ना फॉरेस्ट की तरफ। ये बच्चा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फ्यू स्लैदर हनी ऑन स्वीट स्मेलिंग ट्री। ओ मैं भूल गया, हमने वो हनी भी तो कर रखी, एक बार जल्दी से जाके उसको भी देखाते हैं यार। तो यहाँ पे तो फिलहाल कुछ हुआ नहीं है,
तो निकलते हैं इटोना फॉरेस्ट की तरफ से, निकलते हैं यार अब जल्दी से। यार चलते हैं, पहले बैटल करते हैं यहाँ से, ट्रेनर्स को क्लियर आउट करते हैं, पोकेमॉन्स को लेवल अप करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इटोना फॉरेस्ट से पहले, क्योंकि इटोना फॉरेस्ट की जर्नी एक्चुअली काफी लंबी होती है टू बी ऑनेस्ट। तो देखते हैं अब क्या होता है। भाई इसने पोनीटा फेंक किया यार, नाइस नाइस। चलो नए पोकेमॉन फाइनली देखने को मिल रहे हैं यार, विच इज रियली नाइस। चलो वाटर टाइप है हमारे पास ऊपर से, एंड यार हमारे प्रिंप्लप ने बबल बीम भी सीख लिया, तो दैट इज ऑल्सो नाइस। लक्सियो भी हो गया 17 का, पिजॉट इज 16। आई थिंक इस बंदे से हमें काफ़ी अच्छा बोनस एक्सपीरियंस मिल गया यार। तो यहाँ से उठाते हैं हम अपनी हिडन आइटम, हमें मिला है एक्स अटैक, एंड अब लड़ते हैं इससे। देयर इज नो माउंटेन हेयर बट आई एम ड्रेस्ड टू हाइक, हा हा हेयर गोज। कैसे वियर्डोज हैं यार ये लोग, देखिए इसके पास कौन। यार ये बैटल सीन कितना कूल है यार, अच्छा अच्छा बैटल सीन बनाया इन्होंने, वाइब्रेंट सा ग्रीन सा, मुझे ऐसे लश सी ऐसे वाइब्रेंट एनवायरनमेंट वाले ना काफी सही लगता है, इसलिए मुझे जेल्डा बड़ी पसंद है यार। तो इसको भी हमने हरा दिया यार, और ऊपर हमारे स्टेप्स भी देख सकते हो आप, कितने स्टेप्स हो गए हमारे, एंड आई विश इतने जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते यार, मजा आ जाता। विच रिमाइंड मी इफ यू हैवंट सब्सक्राइब गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब। इससे लड़े, इट्स अ लॉन्ग वेव बिटवीन फ्लोरोमा टाउन एंड इटोना सिटी, सो लेट्स बैटल। तो यार इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस घर में आई थिंक हील कर सकते हैं, आई थिंक यहाँ रेस्ट अप करके हील अप कर सकते हैं। यू सीम टू बी टायर्ड, रेस्ट अ वाइल, यस सही सही याद था मुझे। बाकी गेम्स में भी होता है ऐसा, पोकेमॉन गेम्स में, बाकी गेम्स में भी ऐसा एक घर सा देते हैं वो। इसको देखते हैं, यू थिंक यू कैन गेट थ्रू इटर्नल फॉरेस्ट बाय योरसेल्फ, अच्छा पूछ रहे हमसे। हाँ यार आई थिंक वी विल बी फाइन यार, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। दो यहाँ पे रही है एक हिडन आइटम, सुपर पोशन, चलो एक फ्री सुपर पोशन यार, 700 पोके डॉलर्स बच गए। एंड गाइज हमें मिला एक शेलॉस वाइल्ड में, तो यार इसको जल्दी से पकड़ लेते हैं, इसको टीम में रख लेते हैं यार, आई डोंट थिंक सो, मतलब आई थिंक इट्स एक्चुअली अ गुड पोकेमॉन टू हैव। डायरेक्ट यार बैग में चलते हैं, सीधा ही फेंकते हैं पोकेबॉल, देखी जाएगी यार क्या पता पकड़ा जाए, वाई वेस्ट टाइम। चलो देखी जाए, 1 2, ओ क्लोज 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 यार। एक तो मेरे पास इतने वो पोकेमॉन्स नहीं है ना यार कि मतलब इसकी एचपी नीचे कर पाऊँ मैं, फिर भी ट्राई करते हैं इसकी एचपी नीचे करने की, कौन से पोकेमॉन है जो लोएस्ट भी भाई 16 का है। चलो दोबारा ट्राई करते हैं, वन टू थ्री, ग्रेट गाइस ग्रेट। अब शेलॉस भी है हमारे पास, तो आई थिंक हमारे पास 6 पोकेमॉन हो, 5 पोकेमॉन हो, अभी भी एक की जगह है, बट आई थिंक इट्स नाइस एक्चुअली। यार मैं इसको एक काम करता हूँ, निकनेम देते हैं इसको यार, एक्चुअली एक हमारे सब्सक्राइबर हैं बहुत रेगुलर हैं गाइज, मेरे बाकी रेगुलर सब्सक्राइबर्स गुस्सा मत हो जाना यार, उन आप लोगों का भी नाम मैं दूंगा आगे, बट उनका नाम है अर्जुन, तो एजे रख देते हैं इनका नाम यार, उनको ऑलमोस्ट 99 भी क्या, उनको ऑलमोस्ट 100% वीडियोस पे कमेंट होता है, तो अगर आपको दिखें तो आप हाय बोलो उनको कमेंट सेक्शन में यार। सो गाइज वी आर वेल रेस्टेड नाउ, और अब हम जा सकते हैं इटोना फॉरेस्ट, लेकिन हम इटोना फॉरेस्ट जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में एवरीवन। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, एंड यार अब कोई टारगेट नहीं है, इंजॉय करने के लिए खेलेंगे अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से एपिसोड निकालेंगे, नो टारगेट्स गाइस। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं यार, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।